जरा सोचो, तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों का जमावड़ा लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मास परिवार से, जो पिछली कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से थे। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बेहद पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा ओकिस एक टिकटॉक स्टार है। उसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद करता था। उसका बाप पार्कर भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की माँ मिल गई। उसकी माँ भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ा आदमियों की तरह। अबे इसकी तो मूछें भी हैं। उनका छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ ना पड़ती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती। किसी की नाक से खून बहता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदने लग जाती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से ही पढ़ रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें करता रहता। उसके इस बर्ताव से उसके परिवार को काफी चिंता हो रही थी। ओकिस कई बार उसे सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर पंप देता कि जा भाई, दुनिया में लड़की लड़की पटा, क्या कर रहा है तू। लेकिन कुलीन कहने लगा कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से फर्क ही ना पड़ता हो। वो चाहता था कि लड़कियां उसके दिल के लिए उसे पसंद करें। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वो कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर कर सकें। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो उसने अपने माँ बाप को बात करते सुना कि अब से वो लोग नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन को घर से पढ़ाने के पैसे जमा हो सके। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा, लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन फिर भी वो मान गए कि कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा ये। स्कूल के पहले दिन ओकिस उसे बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरकर भी कुलीन हेलमेट पहनकर ही चला गया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना जाए, लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने सिडी नाम का एक लड़का और उसके चेले आ गए। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका दिलकश चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। कुलीन सीधा घर की ओर भागा, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। उसे स्टोर रूम में लाकर वो लोग सुपर हीरोज की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़े थे, क्योंकि सिटी को बस BBM स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा के साथ ही पार्टी में जाना है। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात ही सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमका कर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इन बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था। वो उल्टा कुलीन से ही कहने लगा कि लड़की पटवा दे भाई इस बावड़ी पूंछ से, ताकि जल्दी से जल्दी स्कूल को छोड़ के जाए। उस रात कीबो और कुलीन ने अगले दिन ये काम करने का फैसला किया। कीबो के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर कुलीन को काफी खुशी हुई। अगली सुबह वो दोनों BBM स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगी, ये हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो,
पता नहीं कितना बुरा दिखता होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ घंटों बाद तो टीवी पर खबर आ रही थी कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी फुल्टी हो रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी उसे न्यूज पर देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ आया कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर पर वापस बुलाया तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और, इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर उसे ढूंढ रही लड़कियों से छुपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा, छलांग वलांग मारने का तो प्लान नहीं है ना तुम्हारा? कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो कीबो के घर रात गुजारने पहुँचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल में गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात अमांडा से हो गई, जिसे उन्होंने सिडी का खत दे दिया। अमांडा कुलीन की खूबसूरती से फर्क न पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया, अमांडा की नाक से भी खून निकलने लगा। कुलीन को सीढ़ियों पर वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कुलीन को फुटबॉल देखने साथ ले गया, जहां वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। कीबो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीबो ने आकर उन्हें मिलवाया और कहा कि उसका नाम रेरे है। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कुलीन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस भी तो लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन को अपने सामने देखकर ओकिस की तो आंखें भर आई। वो कुलीन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर ना जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात भी ना हो पाती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहां ओकिस ने बताया कि कुलीन उस लड़की को कैसे पटा सकता है। कुलीन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमांडा ने लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और साथ साथ एक फोन भी थमा दिया कि बाबू मुझे इससे कॉल करना, ठीक है। फिर शाम को कीबो कुलीन और रेरे घूमने गए। वहाँ कुलीन समझ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीबो के जाने पर उसने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कुलीन ने झूठ कह दिया कि कीबो तो अमांडा से प्यार करता है, तो अचानक से रेरे का मुंह उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे को भी कीबो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमांडा को फोन करके उससे कुछ मदद मांगी, और वो तो कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमांडा के बर्थडे पर कुलीन और कीबो दोनों पहुंचे, तो अचानक से अमांडा ने कुलीन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई, और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमांडा पर पड़ी, जो कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वो वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कुलीन ने भी जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया।
रेरे ने जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्त ही समझती है। तो कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को धोखा भी दिया और लड़की भी नहीं मिली। अरे इससे बुरा और क्या होगा। उधर सिडी और उसके चेलो ने भी कीबो और अमांडा को किस करते देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीबो की जमकर धुलाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा देखता रहा लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द से कराहता देख कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन कुलीन के दिए धोखे के बाद से वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। कुलीन पूरे एक महीने बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी जो एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वो कीबो को जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। तो पहले तो कीबो नखरे मारता रहा, लेकिन बातों बातों में कुलीन ने कीबो से बुलवा लिया कि वो रेरे को कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलत फहमियाँ दूर हो गई थी। कुछ दिन बाद सब डांस पार्टी में गए जहाँ कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमांडा। आखिरकार कुलीन और अमांडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला। जहाँ एक ओर सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पगला रही थी, वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं दिखता ये। ये सुनते ही कुलीन का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी।